गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर 3, गेम्स एंड लर्निंग। उसके हार्ड वर्ड्स लिखे ट्रेडिशनल, फिजिकल इक्विपमेंट्स, रफ, एम्पायर, रिक्रिएशन, इंजर, डिसिप्लिन, स्पिरिट। अब ये हम लेसन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We all follow a routine every day. However, life becomes very dull and boring if we do not take to break from our usual routine and work. Doing something different from the routine is called recreation. It makes us feel relaxed and fresh. That is why it is necessary that children play some games for a while in the evening. We will learn more about modern and traditional games in this lesson. हमको games मिलना या हम खेलने नहीं जाए तो पूरा दिन हमारी life क्या होगी? Boring होगी। क्या होगी? Boring। बच्चे भी school जाते हैं, शाम को उनको खेलना होता ही है, evening में जाते हो ना शाम को खेलने, नहीं तो क्या हो जाओगे, तुम बोर हो जाओगे। ये लेसन में ट्रेडिशनल गेम्स एंड मॉडर्न गेम्स का दी है जो हमको आज लर्न करनी है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट। वी हैव टू फिजिकल एजुकेशन पीरियड्स इन ए वीक इन आवर स्कूल टाइम टेबल। During the physical education period, we play games in the school playground. The physical education teacher issues sports equipments to the children to play. Most schools keep sport equipments like bats, ball, stumps, football, hockey, stick, net for the student to play in school. These sport equipments are kept in the sport room. Sport room में क्या होता है? School के sport room में bat, ball, stump, football, hockey, stick, जो game होती है उसके सब साधन होते हैं ना। जैसे बॉल क्रिकेट रमते हैं तो उसके लिए bat ball चाहिए, stump चाहिए, football के लिए ball चाहिए, ये सब कहाँ हमको मिलता है? School में, sport room में हमको सब मिल जाता है। We have a big playground in our school. We play different games in the school playground, such as cricket, hockey, football, volleyball, etc. These are called modern games. ये कौन सी है? Modern games है। कौन कौन सी? Cricket, hockey, football, volleyball. अब देखो, recognize and write the games of the games the children are playing in each picture. जो पहला फर्स्ट गेम कौन सी है पिक्चर में दी है बताओ? क्रिकेट। सेकेंड वॉलीबॉल। थर्ड फुटबॉल। अब रूल्स ऑफ गेम्स, ऑल गेम्स हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ द गेम्स वी प्ले इन ए टीम गेम लाइक क्रिकेट। देयर इज an umpire who makes sure that all the rules of the games are followed. In football, he is called a referee. In school, during the games period, the games teacher conducts other games. The teacher teach the children the rules of the games of the day. क्या रूल्स है? जैसे क्रिकेट खेलते उसमें किसके रूल्स मानने पड़ते? उसके एम्पायर के। ऐसे ही फुटबॉल, हॉकी, ये सब गेम्स है तो उनको किसको फॉलो करना होता है? एम्पायर को। स्कूल में जब हम टीचर खेलने ले जाती है तो सब लोग किसको फॉलो करते हैं? टीचर को। टीचर जो रूल्स बनाती है उसके हिसाब से हमको खेलना पड़ता है। समटाइम्स वी डू हैव आर्ग्यूमेंट्स व्हेन somebody cheat during play. When we play rough games,
we can get injured. When someone break the rules, we should not fight or peril. We should sort out the problem soon and restart the game. Playing games according to the rules makes us disciplined and we can enjoy the games. क्या है, हम रूल्स फॉलो नहीं करोगे तुम लोग तो कभी इंजर हो जाते, रफ तरीके से खेलोगे तो इंजर हो जाओगे, लगेगा तुमको. तुम रूल्स ब्रेक तोड़ते हो जब रूल्स, और फाइट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए. फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करते हैं, गेम को रिस्टार्ट करते हैं. डिसिप्लिन से और रूल्स के मुताबिक तुम लोग गेम खेलोगे, तुमको गेम में इंजॉय भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा. आगे का है, गेम्स वी प्ले विथ अवर फ्रेंड्स, वो तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे. ये तुमको पढ़ना है और लर्न करना है. थैंक यू.